रामनगर में नगर पंचायत रामनगर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में पड़ती है, जिसके संबंध में 2012 में निकाय चुनाव हुए, जिस दौरान में हम सभासद निर्वाचित हुए। हमारे पूर्व वर्तमान अध्यक्ष श्री राम शरण पाठक जी अध्यक्ष पद पर आसीन हुए, अध्यक्ष पद आसीन हुए, मैं सभासद हुआ, सबकी शपथ ग्रहण हुआ, सासम्मान पूर्वक कार्यकाल चालू हुआ। उसी के दौरान चंद दिनों में ही माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अपने कार्यकारनामे करने का चालू कर दिया कार्य, जैसे भ्रष्टाचार, स्वयं की फैक्ट्री लगाई, मेसर्स पाठक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ईट लगाई गई, जो कि कस्बे में जितने भी निर्माण हुए समस्त में उनका ईटा प्रयोग किया गया। दूसरी चीज, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2005 में बंद कर दिया तहबजारी, लेकिन नगर पंचायत में 2012 के बाद पदासीन होने पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तहबजारी चालू की गई। इसके संबंध में हम लोगों ने, हम भी सभासद थे, अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया, शुक्ला जी हमारे श्री श्रवण कुमार शुक्ला जी, मंजू मौर्या जी, कमलेश कुमार मौर्या जी, चार चार सभासद हम बराबर निरंतर अथक प्रयास करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसी दौरान में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारे सभासद पर मतलब झगड़ा भी कराए, गोली कट्टा भी चलवाए और भी भ्रष्टाचार किए। उनके द्वारा कई ईंट फैक्ट्री लगाई गई, मौरंग सीमेंट की फैक्ट्री, कब से ये कोई अधिकारी सुनने को नहीं तैयार था। एस डी एम कहते हैं डीएम पास जाओ, डीएम साहब कहते हैं शासन जाओ, शासन कहता है कि मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ चला जाऊँ। मैं 3-2 बार हाईकोर्ट भी गया, हाईकोर्ट से आदेश होता है 3 महीने में सरकार कार्रवाई करे, कार्रवाई के नाम पर सुन रहे हम लोगों बराबर लालीपाप दिया जाता है, तुम लोग ठंडे रहो, अध्यक्ष जी जो चाहेंगे हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं हो क्या? गरीब जनता का शोषण होता रहा, गरीब जनता का इस तरह शोषण हुआ कि कस्बे की जनता त्राह त्राह करके एक छोटे तबके के लोगों को चेयरमैन बना दिया और उनको चुनाव से हरा निकाल दिया। अब चुनाव से जब निष्कासित हो गए, पद से आसीन हार गए चुनाव, उसके बाद इनके खिलाफ जाँच पुष्टि की गई। जब तक ये पद पर थे तब तक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये सत्ता सरकार में बैठे थे, आज भी ये सत्ता सरकार में है। ये सपा आती है सपा के हैं, बसपा आती है बसपा के हैं, और बीजेपी आती बीजेपी के हैं, कांग्रेस आती कांग्रेस के, किसी के नहीं है। इनको माया चाहिए, धन कहाँ से मिलेगा, कैसे अपने आप को बचाएं, अपने काले धन को छुपाएं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो ये काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जनहित में चलाई जा रही है, उस पर मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है शासन स्तर या आप दोनों लोगों द्वारा कि इन पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। काला धन इनका जो भी अकूत संपत्ति इनके द्वारा की गई है वो समस्त लीलाम होगी और इनको उस हिसाब से सजा दी जाएगी जो न्यायपालिका कहती है। मैं अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, जो भी कहा गया अधिकारियों द्वारा लिखा गया, इनको वित्तीय नियमता कदाचार उसमें स्पष्ट लिखा गया अधिकारियों द्वारा, विवेचना के से स्पष्ट है कि वित्तीय नियमता कदाचार के दोषी हैं, विधि अनुरूप कार्रवाई किए जाने की संशोधन की जाती है। चार चार अधिकारियों ने लिखा, मनोज कुमार कोषाधिकारी जिलाधिकारी थे, जिला कोषाधिकारी, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार साहब सिंह से, लव कुमार सिंह जिलाधिकारी रामनगर से, कलेक्टर डिप्टी रान साहब से, चार अधिकारियों ने 2 महीने बराबर जांच की, जिसमें नगर पंचायत के बाबू और अधिकारी समस्त उपस्थित रहते थे, हम लोग अपने साक्ष्य रखते थे, हमारे साक्ष्य का नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब संतुष्ट नहीं दिया जाता था, इस कारण से इन पर सारे आरोप लगते चले गए। अब इन पर ये आरोप सिद्ध हो गया है कि वित्तीय नियमता कदाचार के दोषी पाए गए हैं, जिसमें कार्रवाई की संस्तुति जिले से लेकर विशेष सचिव शासन तक की जिलाधिकारी श्री अखिलेश तिवारी जी के द्वारा 2017 में की गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई शून्य रही। अभी जो मौजूदा डीएम है शुरुआती में, हाँ आप बताइए, 2013 से चल रहा है, क्योंकि इनके द्वारा दाखिल खारिज फर्जी कर देना, क्योंकि राजस्व अभिलेख को दाखिल खारिज करना 3% नगर पंचायत को लेके है, लेकिन राजस्व की जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है नगर पंचायत को, इन्होंने राजस्व की जमीन को बेच दिया, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा स्वयं स्पष्ट किया गया कि 14 दुकानें 15 दुकानें इनके द्वारा गलत बनाई गई, लोगों को बेच दिया, स्टेशन पर के लोगों को दे दिया, नगर के बाहरी लोगों को ना दे के बाहरी के लोगों को बसा दिया, बाहरी लोगों को इन्होंने फायदा दिया, बाहरी लोगों से पैसा लिया, क्यों नगर के लोग पैसा नहीं देते थे, गरीब नगर की जनता थी, छोटी नगर निकाय है, इस कारण से इन्होंने अपना रुतबा जारी करते हुए एक अपना काला धन इकट्ठा करके साम्राज्य खट कर दिया। साम्राज्य इकट्ठित हुआ तब इनके द्वारा स्वयं मकान खरीदना, जमीन खरीदना, प्लाट खरीदना, दुकान खरीदना। आपको कैसे ये पता चला, मतलब आप लोग तो? हम लोगों को जब पता चला विशेष सूत्रों द्वारा, नगर में लोकल बॉडी से हम लोग भी हैं, नगर से हैं, सारे लोग नगर के हैं, सारे लोग नगर से वार्ता करते हैं, एक दूसरे से वार्ता हुई तो हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स इनके निकालना चालू किया। आरटीआई के तहत मैंने इनके आरटीआई कागज निकाले वहाँ बाराबंकी से, वहाँ से प्रूफ मिला, फिर राजस्व विभाग से निकाला तहसील से, वो सारे प्रमाण मिले, सारे प्रमाण जब मिले तब हम लोगों ने पूरी तैयारी करके लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई, लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई, जांच हुआ, जांच में दौरान टीम गठित हुई, टीम गठित होने पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी आदेश किया उस पर, उस टाइम पर हम लोगों की बात पर, की बात थी ये 2013 की बात थी, वो नेता विरोधी दल थे उस समय।